व्यूअर, क्या हाल चाल है आपका? कैसे आप? हम उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल सही होंगे, ठीक होंगे, और दुआ करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक हों और अपने अपने घर में महफूज हों, बारिश में बाहर नहीं निकलना। मीना साहब रोज़ बारिश से बाहर आ जाते हैं। मीना साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम व्यूअर, बहुत सख्त सर्दी है, माइनस सर्दी है, और इस वक्त आज कल बर्फ़ भी पड़ने वाली है, मौसमियात ने बताया है। तो आज इतफाक से अभी मैं आया हूँ घर, तो बच्चों को लेने जा रहे हैं स्कूल से, तो वरना नहीं तो बच्चे पैदल ही फिर आते हैं। हाँ जी, ये इमरजेंसी में छुट्टी लेके आ गए हैं कि बारिश हो रही है। अभी ये मैं पहना हुआ है, टोपी लगाई हुई है कि गाड़ी गर्म नहीं हुई है, अभी भी ऑन की है, तो थोड़ी गाड़ी गर्म होती है फिर इसको उतार देते हैं। हाँ जी, तो वो वैसे भी प्यारे व्यूअर गाड़ी जो है ना वो खड़ी होती है बाहर, तो जाहिर है बाहर तो फिर ठंड ही है, तो हीटर चलाते हैं जब तक गाड़ी, जब मैं एसी नहीं चलाता हूँ, एसी नहीं हीटर, नॉर्मल जो गाड़ी का हीटर होता है वो चलाता हूँ, तो वो जब मोटर गर्म होती है तो वो गर्म होता है, सबको पता ही है। प्यारे व्यूअर आपको पता चल गया ना, ये एसी कह रहे हैं वो एसी नहीं हीटर, नहीं एसी भी वो भी हीट करता है। अच्छा एसी भी हीट करता है, अच्छा वो भी करता है, मुझे कोई नहीं पता होता है। अच्छा ठीक है जी, ये फैक्ट्री से आ गए थे छुट्टी करके, इन्होंने उनसे बोला कि आज मौसम काफी गड़बड़ खराब है, तो चलो मैं घर चला जाता हूँ 2-3 घंटे पहले काम से, तो बच्चों को ले आता हूँ, क्योंकि दिन के टाइम बारिश हो रही थी, बर्फबारी वाली बारिश है ना 2 घंटे, तो अभी सादी बारिश हो रही है, वो वाली जो ना खत्म हो गई है, लेकिन कोई और 2-4 दिन तक मौसम आत वालों ने बताया है कि भाई बर्फ भी आनी चाहिए, अपना इंतजाम कर लो। तो मीना साहब कहते चलो आओ बच्चों को लेने चले, तो मैं कहा चलो जी, हर दूसरे दिन असं मीह घरों बाहर निकलने हैं, क्योंकि इटली में बारिश वाह ही होंगी रही है, तो इंजॉय करनी तुम बारिश, चलो फिर अगे जाके बच्चों लेने तो मिलने तेन। अच्छा जी, ये जो बारिश हो रही है, बादल आए हैं, उसकी वजह से ना अंधेरा अंधेरा हो गया है। वैसे अभी 4 बजे का टाइम होने वाला है, तो देखें ऐसे लग रहा है जैसे रात हो गई है, तो जैसे सर्दियों के दिन छोटे होते हैं तो वैसे भी शाम जल्दी हो जाती है। ठीक है जी, इतने इशारा हो गया बंद, मिनासा बुरी गड्डी रोक बंद करके रुक गए ने इतने, तो अभी इशारा खुलता तो फिर हम आगे जाते हैं। इशारा गया जी खुल, अब मिनासा बुरी खब्बे मुड़न गए इन जी मिनासा, बड़ी मुश्किल भाई गड्डी वाले रास्ता मिले आगे, क्योंकि मेरे ख्याल 8-10 गड्डियां गई ने, फिर इस गड्डी वाले ने टन लिया, तो फिर असं पीछे आए हैं जी। ये जी हम आ गए बिल्कुल स्कूल के पास, वो सामने जो नज़र आ रही है ना आपको एक सोनी सी बिल्डिंग, वो बच्चों का स्कूल है। ये देखा कितने सारे वालदेन खड़े हैं छतरियां लेके। अच्छा प्यारे व्यूअर, मैंने कहा था सादी बारिश है लेकिन बर्फबारी हो रही है, ये देखें बर्फ वाली बारिश हो रही है। ठीक है जी, बाहर निकलती हूँ फिर आपको थोड़ी दिखाती हूँ। ये देखा गाड़ी के ऊपर गिर रही है, मैंने साहब साफ साफ ही गड्डी साफ करते जान रहे ताकि गड्डी चलाने में आसानी रहे। असं उधरों नहीं घूम के इधर आ गए, पार्किंग ही नहीं मिली सानू, तो हम असं इतने स्कूल के अगे आ गए बड़े गेट अगे। अच्छा प्यारे व्यूअर, मैंने साहब उन्हें गड्डी अंदर ही ले आए ने स्कूल के, सू बाहर जगह ही नहीं लभी है, आ वेख लो कितनी तेज बर्फबारी हो रही है बार। ठीक है जी प्यारे व्यूअर, चिट्टी चिट्टी बर्फ मीनास साहब की गड्डी के उपर पै गई, गड्डी इन्हें पार्किंग कर दी, हूँ नहीं साफ करे, हूँ तो सू नज़र आ गई, तो देखो कितनी तेज़ बर्फ पैन रही, कितनी तेज़ बारिश हो रही बार बर्फबारी। ये मैंने छतरियाँ रखी हुई हैं, बच्चों को लेने जाऊँगी तो लूँगी, और देखें ये बाहर इस तरह छतरियाँ लेके लोग आ रहे हैं। प्यारे व्यूअर ये देखें इतनी बर्फबारी हो रही है ना, और सारी बारिश वाली ये नीचे गिरती है तो पिघलती जा रही है। मैं अभी गाड़ी में बैठी, मैंने कहा थोड़े से व्यू आपको दिखाऊं, फिर मैं आपको बाहर निकल के प्यारे से व्यू दिखाती हूँ। प्यारे व्यूअर मैं गाड़ी जो निकलने लगी है बाहर, तो देखो कितनी सोहनी बर्फबारी हो रही है, ऐ दरवाज़ा कर दिता बंद मैं, ऐ देखो कितनी सोहनी बर्फबारी, दिल खुश हो गया वेख के, पर ना बारिश वाली फटाफट पिघलती जा रही, तो मैंने आसा बुनी नहीं अजे बाहर आए, मैंने आसा आए, मैंने आसा का इंतजार कर रहे हैं हम। बिस्मिल्ला जी बिस्मिल्ला, छतरी खुल गई, मैंने आसा बुना दी, मिनासा बना उत्ते बर्फ पहन दी है, मीह पहन दिया है, मिनासा आए बार गाड़ी से। मिनासा कैसे व्यू ने? बहुत अच्छे व्यू है, बहुत अच्छे व्यू है। अच्छा प्यारे व्यूअर, एहो जे मौसम में एहो जे व्यू च दिल करता बंदा तस्वीर बनाए, सैल्फियां सुल्फियां बनाए, भावें बंदा भेजी जाए जिस तरह सारे दीवाने मरी जाकर तस्वीर बनाते हैं। ठीक है जी, तो हम आ गए हैं जी स्कूल में, ये देखें जी बारिश का पानी इस तरह, जहाँ पर जगह थोड़ी सी ऊँची नीची है ना वहाँ पर पानी खड़ा हुआ है। इस तरफ जी आगे बच्चों का स्कूल, पहले भी आप हमारी वीडियो में देख चुके हैं, तो अभी बारिश है, तो बारिश की वजह से लोग कम कम आए हैं, बिल्कुल टाइम के टाइम आएंगे, आज बच्चों को नहीं पता कि मिनासा भी आए हैं। मिनासा बना याद भुल गई ना, बच्चे ज़्यादा मैं लैना नहीं, जो मिनासा आते सन दो अगले दरवाजे से लैन जाइए सी, तो हूँ जी पता नहीं कितने मिनट रहते, मुझे नहीं पता। अच्छा पहले ना नवेरा उस दरवाजे से आती थी, अब मुइज़ इस दरवाजे से आता है, तो फिर नवेरा बड़ी है, तो वो कहते हैं कि ये बड़ी है तो ये भाई को साथ बाहर आ जाए, तो ये छोटा है तो ये नहीं आ सकता ना दूसरी तरफ, इसलिए नवेरा भी इसी दरवाजे से आती है। ये बच्चे आ रहे हैं जी जिमनास्टिक करके, हफ्ते में 2 दिन होते हैं जिमनास्टिक के, तो मुइज़ का कल जो दिन गुजर गया वो था, तो ये देखे बच्चे कितने खुश हो रहे हैं बर्फबारी में। देखा
ये देखें इसमें ये जो एक बच्ची जैकेट वाली जा रही है ये पाकिस्तानी है, कुछ बंगाली भी होते हैं, कुछ पाकिस्तानी भी होते हैं। बच्चे कितने खुश हो रहे हैं बर्फबारी को देख के, अभी हमारे आएंगे तो वो भी ऐसे खुश होंगे। अच्छा ये जो इस तरह बरामदा सा बना हुआ है, जब बारिश वगैरह होती है तो टाइम से पहले दरवाज़ा खोल देते हैं, फिर लोग वहाँ पे आके खड़े हो जाते हैं ताकि भिजन ना। साथ एक कमरा बना हुआ है जिसमें दोपहर स्कूला वाले बच्चे आते हैं। दोपहर स्कूला का मतलब प्यारे व्यूअर ये है कि जो बच्चे ट्यूशन वगैरह पढ़ते हैं या जो बच्चे पढ़ाई कमजोर होंगे ना तो स्कूल के एक घंटा एक्स्ट्रा लगवाते हैं। वो भी हाँ, जिनके पेरेंट्स जाते हैं ना काम पर तो वो 8 बजे से पहले पहले बच्चे छोड़ने पड़ते हैं उनको। हाँ वो पहले ही छोड़ जाते हैं क्योंकि उन्होंने 8 बजे काम शुरू करना होता है, फिर वो सब बच्चों को उस कमरे में एक टीचर जो है ना लेके तो बैठी रहती है, फिर जब 8:20 होते हैं फिर वो आ जाती है अपनी अपनी क्लासों में लेके। ये देखे जी बच्चा रैक में बैठा है तो उसने भी छतरी पकड़ी, तो उसकी मामा जो छतरी अपनी लेके लगा और बच्चे ने लदा ली, तो इस तरह करके उसको कवर करके तो उसकी रैक जो ना चला के ले रहा है मतलब रेड़ी। अच्छा प्यारे व्यूअर ये देखे इतनी बर्फ पड़ी है कि मीनार साहब की छतरी जो ना सफ़ेद चिट्टी हो गई है, ठीक है जी। काली है तो काली के ऊपर बर्फ वैसे बड़ी नुमाया नजर आ रही है, ठीक है जी। वैसे तो और भी छतरियों पर नजर आ रही है लेकिन ब्लैक के ऊपर ज़्यादा नजर आ रही है। रंग बिरंगी छतरियाँ ये देखें, इधर से भी आपको दिखाती हूँ, और ये मेरी छतरी भी देख लें, ये देखें छतरियाँ ही छतरियाँ, ठीक है जी। ये देखें अच्छा जी, सब बच्चों को छुट्टी हो रही है, रश काफ़ी हो गया, 3 क्लासें बाहर आ चुकी हैं, तो चौथे नंबर वाली जो है ना 4 नंबर वाली वो मुइज़ की क्लास आ रही है। ये जो आ रही है ये मुइज़ की क्लास है, मीनार साहब लेने चले गए अंदर, ये देखे कैसे खुश होकर बर्फ़ खा रहा है बच्चा मुंह खोल खोल के। ये मीनार साहब चले गए मुइज़ को लेने, ये देखें सामने काफ़ी सारे लोग हैं क्योंकि बच्चे सारे इस वक्त जो है ना थके होते हैं, माँ बाप का इंतज़ार कर रहे होते हैं, सब आगे आगे हो रहे हैं। ये मुइज़ साहब को लेकर ना मीनार साहब गाड़ी में जा रहे हैं ताकि बारिश से गीले होने से बचे, तो मैं अभी यहाँ खड़ी हूँ नवेरा का इंतज़ार कर रही, मैं नवेरा को लेके जाऊँगी। अभी जी मेरी नवेरा भी आ गई है, रश काफ़ी हो गया आगे, मुझे नज़र आ गई, आपको नहीं अभी नज़र आएगी, बाहर आते फिर मिलवाती हूँ आपसे। ये आ गई जी नवेरा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक हो, चलो ओ लग गई, चलो आ जाओ। अच्छा प्यारे व्यूअर हम करते हैं इसी के साथ वीडियो ख़त्म, लेकिन आपको अभी गाड़ी में मीनार साहब से मिलवा के, ठीक है जी। नवेरा गई आ, ये देखे रंग बिरंगी छतियाँ लेके सब वालदैन अपने बच्चों को जा रहे हैं, लोगों के बच्चे आपको दिखा रही थी, ये मेरी बच्ची भी देख ले ऐसी बर्फ खा रही है, चलो घुसो अंदर सर्दी लग जाएगी, जल्दी जल्दी करो। चले प्यारे व्यूअर इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।